ब्लॉग को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले वीडियो देखने। हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीवी ब्लॉग। तो आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया है क्लासिक और थंडरबर्ड का, क्लासिक वर्सेस थंडरबर्ड। इसका फर्स्ट और सेकंड ईयर में कितना टॉप स्पीड रहता है क्लासिक का, और थंडरबर्ड का फर्स्ट और सेकंड ईयर में कितना टॉप स्पीड रहता है, वही आपको दिखाने वाले। बाय द वे, ये बाइक है मेरा एक भाई, उससे आपको परिचय कराते हैं। तो चलिए इसको उसके साथ मिलते हैं। तो ये है मेरा भाई स्नेहा स्ट्रॉन्ग। हेलो। तो इसी का बाइक है क्लासिक। तो भाई तूने क्लासिक कितना अभी तक कितना रन किया है? अभी तक मैंने वो 3 से 3,500 तक रन किया है, और यहाँ से मैं कई कई जगह में जा चुका हूँ। तो यहाँ से मेरा हाँ, तो मैंने डानकुनी और वो जयपुर जाना भी हो गया था, और भी कई कई मैं अभी वो जगह है जहाँ पे मैं अभी वो सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग राइड कर चुका हूँ, और भी फ्यूचर में करने का अभी भी सब कुछ प्लान है। तो अभी देखते हैं। तो भाई का भी यूट्यूब करने का मन है एकदम, तो कुछ ही दिनों में भाई का भी चैनल ओपन हो जाएगा, वीडियो भी आ जाएगा। मेरे इस ब्लॉग में ही डिस्क्रिप्शन में रहेगा इसका ब्लॉग का लिंक। तो ज़रूर जो बांकुड़ा के लोग हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बांकुड़ा को, और भी ऊपर उठाइए यूट्यूब। तो इस बाइक में और उस बाइक में थोड़ा खामियां खूबियां है, जैसे कि इसमें ओडोमीटर है, उसमें ओडोमीटर नहीं है। जो पुराने वाला बुलेट आता था वही लुक पे अभी भी इस क्लासिक को रखा गया है, जो एक राइज वाला है वैसा ही लुक दिया गया, और इसको ज़रा बहुत क्रूजर लुक भी दिया गया है मॉडिफिकेशन के दौरान। और सेम सीसी है, इसका भी 350 का इंजन है, इसका भी 350 का, इसका भी सेम टॉर्क है, इसका भी सेम BHP है, लगभग सब सेम है। तो ऐसा ही कुछ जैसा कि इसके ओडोमीटर ज़्यादा है, इसका सीटिंग पोस्टर ज़्यादा है, उसका सीटिंग पोस्टर जोड़ा अलग है। तो तू तो राइड किया है? हाँ, तो मैंने तो राइड किया है। तो जो सीट का तो डिफरेंस है कुछ? हाँ। कुछ प्रॉब्लम होता है उससे? सीट का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर हम अगर तो सिंगल अगर बैठ के जाए तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सीट थोड़ा सा अभी वो छोटा है तो इसीलिए थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो बात है सिंगल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, डबल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जैसा कि आपने सुन ही पाए होंगे। लॉन्ग राइड में सिंगल ही जाना बेटर है। Yes. मैं भी रेकमेंड करता हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में कितना स्पीड रहता है दोनों का ही। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं और मज़ा लीजिए। और ऐसा ही बड़ा अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। और भाई का भी चैनल आ जाएगा, उसको भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको दोनों का ही परफॉर्मेंस कितना टॉप स्पीड रहता है। तो चलिए देखिए। तो चलो फ्रेंड्स, आज दिखाने वाला हूँ कि क्लासिक का 350 का फर्स्ट गियर और सेकंड गियर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट गियर 41, चलिए देखते हैं फर्स्ट गियर में से कितना पिकअप रहता है। 45, जो लाइट चला नहीं है। 70, आपने देख ही पाए होंगे भाई ने कैसा बाइक ड्राइव किया, और इसका टॉप स्पीड रहा 69 सेकंड गियर पे, और फर्स्ट गियर पे
41 से 42, और इसका तो आप देख ही पाए होंगे 70 रहा, सेकंड गियर पे 70 और फर्स्ट गियर पे 45। तो लगा है तो क्या करना है पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो जरूर कर लेना, और भाई का भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब खुलेगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।